नवरात्रे का व्रत, नवरात्रे की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम। अश्विन के नवरात्रे में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मातृशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठे 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है जम के बोलो 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो। एक पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है हमारे वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रे में 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, पांचवे दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रे में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करे रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में एक, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल होगा।